जो शिक्षण की संधि है उन्होंने कर दी, लेकिन उन पर जो प्रेशर आ गया ना तो बढ़ गया, उसकी बॉडी इसके लिए तैयार नहीं है। ये जो बॉडी है ये थोड़ी सी नाजुक है, प्रकृति ने ही उसको नाजुक बनाया है। अब जब अर्थ मेरे सामने आती है वो बहुत ऑब्वियस होती है, आईटी में से होती है, वो बोलती है मैडम मैं 2 साल के लिए मेरे करियर से बाजू रह गई तो मेरा करियर, ये जो करियर है वो बहुत आगे चलेगा। तो मैं उनको बोलती हूँ ये आपका ऑब्स्टेटिक भी करियर ही है, ये आपको सर्द ने एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है कि आप एक अच्छी माँ बन सकती है, 2 साल उसके लिए बाजू रखो, उसके बाद आप आपका अपना करियर चालू कर सकते हैं। ये भी उनको ये एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से भी इतनी बार भी उनको आईटी वाली जो लड़कियां होती हैं उनको दिन नहीं रहते, तो उनको शिरोधारा या काउंसिलिंग योग निद्रा इन उपचारों से भी उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, नो प्रॉपर स्लीप। अभी ये जो क्या नेटफ्लिक्स वगैरह जो आए हैं यूट्यूब, तो आपने देखा होगा मोबाइल चालू है इंटरनेट चालू है तो हमें नींद ही नहीं आती, 2 बजे तो भी नींद नहीं आती क्या? तो ये जो है प्रॉपर स्लीप, किन किन लोगों के लिए स्टडी का प्रॉब्लम होता है, परदेश में कॉल है, इनका भी है, लेकिन ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो गए हैं और इससे हमारा जो बीज है वो अच्छा नहीं होता है। लेट मैरिजेस, लेकिन आप तो सभी मुझे अच्छी एज में 27-25 तक आपका मैरिज हो गया है। अभी तो क्या है करियर पूरा करते हैं 35 तक और उसके बाद रिटायरमेंट लेते हैं और उसके बाद बेबी नाम करते हैं, लेकिन डिसर्ट ने वो उनको बर्तरी एज ही तुम्हारा जो है 35-36 तक दिया है। अभी जो अमेरिका में क्या चल रहा है पॉलिकल रख के बाकी तक रख देगा, उसके जो अच्छे पॉलिकल बन जाते हैं वो रख के देने के फ्रीज कर देने के और जब वो 35 की होगी तो वो इंसान कर देने के। तो क्या ये निसर्ग के विरुद्ध दिए हैं? तो वहां पे आप देखेंगे तो अल्टरनेट चाहिए स्पर्शिक है, मंगल के भी है, मेंटली रिटार्डेड चाहिए वो पर चला, आप इसे किसी के साथ खेल रहे हैं तो उसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। निसर्ग ये माँ की तरह वो दयाशील पुत्रा से सहस्त्र अपराध माता का ही तैयार रखे, ऐसा निसर्ग नहीं है। नेचर इज नॉट लाइक मदर, ही इज नॉट गोइंग टू स्पेयर यू फॉर एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। This is the thing, not taking rest during menses. This is very, very important and you are here. So I am telling you. In ads, we are seeing that she is dancing and she is doing yogas and she is prepping. But by the use of this sanitary things. But it is not. Why? Because ये जो है ना ये व्रणित है, व्रणित है, जहाँ से रक्त स्राव निकलता है तो वहाँ पर व्रण है, ये अभी चल रहा है, जो हमारा है हमारा रूढ़ी है हमारा धर्म है वो सब बेकार है, जो परदेश से आता है वो अच्छा है। ये जो है ये ऐसा नहीं है, ये क्या है, क्या उस क्यों उसको बाहर जाना ये बंद कर दिया है? क्योंकि वो वर्णित है, यदि हमें कुछ मूड हो गई है तो हम क्या करते हैं उसको ड्रेसिंग कर देते हैं, अच्छी तरह से ढांक लेते हैं और उसके बाद ही हम समाज में जाते हैं, कुछ ऑडिटोरियम में जाना है, कार्यक्रम में जाना है, ऐसा करता है। तो ये यही बात है कि वो वर्णित होती है जब उसका मेंस्ट्रुअल फ्लो चल रहा है, तो इसीलिए उसको क्वारंटाइन कर देते हैं। अभी कोरोना वायरस के जो प्रॉब्लम के पेशेंट आते हैं उनको क्वारंटाइन करते हैं, हम समाज को तो नहीं बंद कर सकते, तो उस पेशेंट को क्वारंटाइन कर देते हैं। यही बात है कि जो उसका मेंसेस चालू है तो उसको रेस्ट लेने की जरूरत है, धर्म के बाद उसको ज्यादा उसका क्या बोलते हैं उसको विकृतिकरण हो गया, वो अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल नहीं कर सके। लेकिन उसका जो हम आपकी पीढ़ी जो है, मैंने बोला क्यों कब क्यों ये क्या ऐसा बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो ये लॉजिकली जब समझ में आएगा तो आप बहुत अच्छी तरह से उसको फॉलो भी करेंगे। जब आज मैंने बोला नहीं तुम्हारे वजह से तुम जाकर बाजू बोल कर दो मैं देवी नहीं खाओ और वही पे पड़े थे नहीं आएंगे नहीं सुनेंगे ही नहीं, वो किसी की भी लड़की किसी की भी जो सुन है वो नहीं सुनेगी। लेकिन उसको उसका मतलब समझा दिया कि ये अच्छा उसका प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं करने का, लेकिन तुम रेस्ट तो ले सकते हो। तो वहाँ पे डूज और डोंट्स ड्यूरिंग मेंसेस ऐसा बोल दिया है। ये जो है ये कंसेप्शन के लिए है, तो दैवोच्च कर्तव्य पंचम
जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे दही बनाने का एक भाग होता है। अभी सबकी नई 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 शादी हो रही है लगता है, तो आप कुलदेवी को जाके आए होंगे। जो आपकी कुलदेवी है उसका काम है आपकी कुल को अच्छी तरह से बढ़ाने का। तो क्या करते हैं कि उसको बोलते हैं, उस पैर को हम बोल देते हैं कि जब आप कॉर्टस करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो अच्छी जीवात्मा ने हमारे शरीर में प्रवेश करना चाहिए। ऐसे आप जीवात्मा की प्रार्थना करो, आप इंग्लिश में करो, हिंदी में करो, मराठी में करो, संस्कृत में, चरक में यहाँ पे प्रार्थना दी है। ये हमारे ऋषि मुनि की सोच थी और हम समझते हैं ये हमारा बच्चा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जो होता है वो सोल हमें सिलेक्ट करता है, या ये अच्छे है, मैं इनके गोद में मेरा जन्म दूंगी और उससे मेरा अच्छा जन्म बीत जाएगा और उनका अच्छा होगा, इस वंश का अच्छा होगा। ये वो जीवात्मा सोचता है और ये कुल बढ़ाने का काम कुल देवता करती है। इसलिए कुल देवता की प्रार्थना करना जरूरी है। ये सब जो है जरूरी परंपरा के बोलते हैं, ये सब उसकी वजह से है। मुझे लगता है मैं थोड़ी आगे जाऊंगी। अब थोड़े केसेस, ये जो कंसेप्ट ऑफ पंचकर्म है ये आपको बता देती हूँ। पंचकर्म क्या होता है? तो अब हमें ये रूप साफ करना है, तो क्या करेंगे, पहले से जो कुछ सामान है छोटा 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 वो सब बाहर निकाल देंगे। उसके बाद पेंटिंग के लिए पेंटर को बुलाएंगे, तो पेंटर क्या करेगा, किस किस के ये सब जो वॉल है वो अच्छी तरह से क्लीन कर देगा और उस पर अच्छी तरह से पेंट बैठेगा। तो यही जो आपने बोला, ये अभी तक मेरा सब गलत हो गया है, लेकिन अब मैं कंस्ट्रक्शन के लिए तैयार हूँ, तो मैं क्या करना चाहिए मुझे, तो उसको पंचकर्म करके ये सब क्लीनिंग डिटॉक्सिफिकेशन करके उसके बाद संसर्ग के एक ऑपरेशन की जरूरत कर रहा होता है। ऑपरेशन आपको मालूम है, प्री ऑप होता है, ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के पश्चात आपको लिक्विड डाइट दिया जाता है। सिमिलरली यहाँ पे प्री ऑप ये पंचकर्मा कुछ प्रॉब्लम कुछ आपको दवा दी जाती है, उसके बाद एक्चुअल पंचकर्म होता है, अब उसके बाद संसर्ग क्रम होता है। तो संसर्ग क्रम जो हमने अग्नि का पकड़ दिया ना, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाने का, तो पानी से लेकर डाइट तक ऐसे आपने आना चाहिए। ये डाइट करते हैं आप तो गर्ल्स से मिक्सर चलाया होगा, ग्राइंडर पर चलाया होगा, हमें सब ग्राउंडर की पाउडर बनानी है, तो हम क्या करते हैं, पूरा भर दिया और चलो क्योंकि चलेगा क्या, वो नहीं चलेगा, चलेगा क्या, नहीं चलेगा, तो हम क्या करते हैं उसमें थोड़ी सी एयर करते हैं, तो अच्छी तरह से वो हमें थिक पेस्ट चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। ग्राउंडर पाउडर नहीं, चटनी बनानी है तो उसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं। तो हम जठर जो है हमारा स्टमक, उसको ऐसा समझेंगे कि ये ग्राइंडर है, वो पूरा भर दिया तो उसको स्पेस ही नहीं मिलेगी, तो हमें अर्ध कोटी जो हाफ ऑफ द स्टमक ही खाना चाहिए। तो हम दो रोटी खा लेंगे, एक रोटी बस दो चार भाग कर दिए, तो दो भाग पानी, दो भाग सॉलिड फूड, एक भाग पानी और एक भाग जो है वो एयर के, और अच्छी तरह से उसका प्रैक्टिंग हो जाएगा, उससे आहार रस अच्छा बनेगा, उससे आगे आगे वाले ऋतु अच्छे बनेंगे। तो हमारा आहार जो है वो अर्ध कोटी होना चाहिए। अब ये जो है नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट। यहाँ पे मैंने बोल दिया आपको कि अच्छी जीवात्मा के लिए आपको प्रार्थना करनी है, उसके बाद आगे तक फोटो। ये जो केस है, ये उसका हस्बैंड था, वो एमआर था, तो वो बहुत सारे डॉक्टर के पास ही जाता था। पहले 5 महीने में उसको दिन रहे उसकी एक वाइफ, तो उन्होंने सब कंसेप्ट क्या है, मुझे अच्छी तरह से एंजॉय करना है, मैरिड लाइफ एंजॉय करना है, और उसके बाद ही हम उसका बेबी के लिए काम करेंगे। तो पहले 5 महीने के बाद रह गया तो एमडी पी लेके वो एमडी पी कर दिया, खाली कर दिया। उसके बाद अगर 6 महीने के बाद उसको दिन रह गए तो वो वहाँ पे वीक कार्डियक एक्टिविटी थी, जो वाल के गर्भ के ठोके थे, हृदय के ठोके वो कम थे, वो अवॉर्ड हो गया। मैंने जो बोला था, जो भी फल अच्छा होता है तभी वो अच्छी तरह से लास्ट तक टिक जाता है, नहीं तो वो गल जाता है, वो फ्रूट डाउन फेल्स डाउन। सिमिलरली यहाँ पे वो अच्छा नहीं था, हार्मोन्स अच्छे नहीं थे, तो वो अबॉर्शन हो गया। इसी बार
हुई, गर्भधारणा हुई लेकिन हार्ट बीट नहीं थे तो एमडी पी डालो डेड सीजन एंड देन दे अप्रोच टू मी देन आफ्टर डूइंग द पंचकर्म कंप्लीट पंचकर्म बोथ द पार्टनर्स द ऑल द प्रॉब्लम्स वर सॉल्वड एंड यू कैन सी ऑल द रिपोर्ट्स आर गुड एंड दिस इज द फोटो ऑफ दैट चाइल्ड एंड नाउ दे आर एंजॉयिंग देयर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज नेक्स्ट स्लाइड Next slide. This is the child. And you can see her luster, her intelligent portion. All these things are very good. Here you can see her weight is 4.1. Healthy baby. And many of the children taking the treatment of Beejsanskar and Garbhsanskar are getting prize in Sudhrudbalakaswarga. Healthy baby. Competition. Should I stop? Or उन्होंने वो ब्रश लिया और वो थैले पे ओम लिख दिया। उसका फादर इतना वो
बात बताती हूँ और मैं थर थर जाती ये जो है उसके बाद के ये बहुत मेरा जॉब सेटिस्फेक्शन है ऐसा बोला तो चलेगा ये मेरा पैशन है क्योंकि मेरा नई अभी यही है कि नेक्स्ट जनरेशन है वो अच्छी सुदृढ़ बने और जब समाज के लिए हितकारी है तो ये सब बहुत जॉब सेटिस्फेक्शन है इसमें बहुत आनंद आता है सब तो पैसे के हिसाब से नहीं आता है लेकिन ये आनंद बहुत अच्छी तरह का है और ये जो गर्भ संस्कार है उसका फायदा हाँ ये दीर्घकाल का तक चल रहे तो आप सभी इसका इस्तेमाल करते हुए लेके फील कर दिए है और सुप्रजय के लिए आप देना मुझे धन्यवाद बाहेर चहा तयार आहे सगळ्यांना विनंती चहा पाणी घेऊन पुरुष परत याच